नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। ये चुनौती है पाकिस्तान को, ये खुला चैलेंज है चाइना को कि अगर आंख दिखाओगे तो आंखें फोड़ दी जाएंगी, गुर्राओगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान अब इतना सर्व शक्तिशाली हो चुका है, क्योंकि हिंदुस्तान में आ चुकी है रशिया से में बनी S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये एक छोटा मोटा हथियार या औजार नहीं है। अगर देश के दुश्मन इस मुखादे में जी रहे हो कि S-400 एक छोटा मोटा हथियार है और भारत इस पर गर्व कर रहा है, तो हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर भारत को इतना गर्व क्यों है, आखिर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आने से भारत को कितनी मजबूती मिली है, भारत की क्षमता कितनी ज्यादा बढ़ गई है, भारत के दुश्मनों के लिए इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का आना कितनी बड़ी ताकत का इजाफा होना है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। क्योंकि S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो मेड इन रशिया है, लेकिन उसे एक बड़े समझौते के तहत आज भारत में लाया भी जा चुका है और बॉर्डर पर तैनात भी कर दिया गया है। जी हाँ, पंजाब सेक्टर में आज इस डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है और पंजाब से सीधा संदेश दिया गया है पाकिस्तान और चाइना को कि अब आंखें दिखाओगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, आंखें फोड़ दी जाएंगी अगर आंख टेढ़ी करने की कोशिश भी करोगे तो। इसके अलावा आज बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि रशिया से पंजाब पहुंच चुकी है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पंजाब सेक्टर में इसे तैनात कर दिया गया है, जहां से पाकिस्तान और चाइना को सीधा संदेश दिया गया है। इसके अलावा ये S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, इसका क्या काम है, ये किसी भी हवाई हमले को भेदने में, किसी भी हवाई हमले की दिशा मोड़ने में ये बहुत ज्यादा कारगर है और सक्षम है। हवा में चाहे जो भी मिसाइल हो, चाहे फिर वो ड्रोन हो, चाहे वो छुपे हुए विमानों से हमला हो, चाहे वो किसी भी तरह की एडवांस मिसाइलें हो, S-400 के आगे सब कुछ फेल हो जाएगा। क्योंकि S-400 इतनी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है कि इसके सामने दुश्मन की कोई भी चाल नहीं चलेगी, हर चाल को नाकाम करेगा S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये एक बहुत एडवांस, बहुत ही हाईटेक मिसाइल सिस्टम है, जिसकी बड़ी बातें आज हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, मिसाइल सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो हवाई रास्ते और समुद्र के रास्ते यहाँ पर लाए गए, जिन्हें एक साथ रख के असेंबल किया गया और फिर इन्हें पंजाब के बॉर्डर पर तैनात भी किया गया है। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन इस साल के आखिर तक हमें मिल जाएगी। इसके बाद ईस्टर्न फ्रंट पर फोकस किया जाएगा। जमीन से हवा में मार करता है ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम। भारत की मारक क्षमता जो है वो इस सिस्टम के आने के बाद बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इसके अलावा S-400 में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, जो टारगेट को भेजने में बहुत ही ज्यादा कारगर और सक्षम होती हैं। S-400 को दुनिया की सबसे अत्याधुनिक, सबसे हाईटेक और सबसे ज्यादा खतरनाक यानी डेंजरस मिसाइलों के तौर पर गिना जाता है। रूस का प्रोडक्ट है और जरा सोचिए, रूस का इतिहास रहा है कि वो डिफेंस सिस्टम बनाने में बहुत ही ज्यादा कारगर है और बहुत ही ज्यादा महारत भी हासिल है। दुश्मन के चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे छुपे हुए विमान हो, कुछ विमान ऐसे होते हैं जो कि हमारे टारगेट जोन में नहीं आ पाते हैं, या फिर जो रडार नहीं किए जाते हैं, जो रडार पर नहीं आते हैं, ऐसे विमानों को ढूंढ ढूंढ कर भेजने में ये मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से सक्षम है और कारगर भी है। तो अब हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से हमारी सेना मजबूत हो रही है, हम मजबूत हो रहे हैं, देश मजबूत हो रहा है और दुश्मन के लिए खुला चैलेंज हम दे रहे हैं। 3 सेकंड में 2 मिसाइलें चलेंगी, जरा सोचिए, पलक झपकते ही दुश्मन पर 2 मिसाइलों का बड़ा वार होगा। एक मिसाइल की जो स्पीड जब वो निकलेगी तो 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगी, यानी गोली की रफ्तार से जब मिसाइल जाएगी तो जरा सोचिए कितने बड़े पैमाने पर वो विनाश करेगी। 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये वार कर सकती है इसके निकली मिसाइलें, और इसके आने से देश के उत्तरी, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी सेक्टर जो हैं वहां बहुत मजबूती मिलेगी हमें। अक्टूबर 2019 में समझौता हुआ था रशिया के साथ, जिसे $4.543 में ये समझौता हुआ था, और अगर हम भारतीय कदम से ही बात करें तो 40,000 करोड़ का ये पूरा समझौता है, जिसके तहत 5 डिफेंस सिस्टम हमें मिलने हैं। पहली खेप भारत में पहली आ चुकी है और अब 4 और खेप आएंगी, जिन्हें अलग अलग बॉर्डर्स पर जरूरत के मुताबिक तैनात किया जाएगा। जरा सोचिए
कि जब इन मिसाइलों को तैनात किया जाएगा बॉर्डर्स पर, तो बॉर्डर्स की सिक्योरिटी कैसी होगी, बॉर्डर फोर्सेस को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी, पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी ललकार होगी, चीन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। ये सिस्टम बहुत ही हाईटेक और एडवांस सिस्टम है, इसके आगे दुश्मन की एक भी चाल नहीं चलने वाली है। हम आपको बता दें कि टारगेट को 600 किलोमीटर की स्पीड तक ये मारेगी, और अगर टारगेट को तबाह करना होगा तो 400 किलोमीटर दूर तक। यानी आप सीधा ले लीजिए कि अगर ये जैसलमेर में तैनात कर दी जाती है तो लाहौर तक इसकी मार होगी। सोचिए कितना ज्यादा एडवांस है, क्या स्पीड है ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है। इसकी सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये मोबाइल है, इसे सड़क के रास्ते आप कहीं भी ले जा सकते हो और कहीं भी तैनात कर सकते हो। ये कोई फिक्स नहीं है। कुछ और पॉइंट्स हम आपको बताते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो स्क्रीन पर दिखाएं कि इसके क्या कुछ है, कितना शक्तिशाली है S-400 मिसाइल। 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की स्पीड है, जो अलग अलग मिसाइलों की स्पीड है। देखिए ट्रक में बॉडी है और इसकी बॉडी पे ये इस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। इसके अलावा जो मैक्सिमम स्पीड है वो 4800 मीटर पर सेकंड है। ये पर मिनट नहीं है, पर आर नहीं है, ये पर सेकंड की स्पीड है। 30 से 60 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट है और 600 किलोमीटर टारगेट डिटेक्शन रेंजेस की, और 5 से 10 मिनट में डिप्लॉयमेंट टाइम है। यानी 5 से 10 मिनट में अगर आपने टारगेट फिक्स कर दिया है तो 10 मिनट के अंदर टारगेट को तबाह कर दिया जाएगा। सिर्फ 5 मिनट लगेंगी इसे पूरा डिटेक्ट डिप्लॉय करने में, और 5 मिनट बाद तो टारगेट को भेजने में ये पूरी तरह से सक्षम है। तो दोस्तों इस मिसाइल का ना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी ताकत का इजाफा होना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस मिसाइल सिस्टम के आने से भारत को कितनी मजबूती मिली है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं, आप इसे किस तरीके से बुलंदी के तौर पर देखते हैं, ये हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी करें हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।